लोग जा रहे हैं टेरेस पे। चलो आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे सब लोग? मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे कार में, सर्दी हो रखी है बहुत, तो मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे ऐसे कैमरा सेट किया है। तो बॉम्बे में इतनी अच्छी बारिश हो रही है, सब जगह पे ठंडा ठंडा सब वेदर है, तो ऐसे ही आई थी मैं बाहर घूमने के लिए। चलो आपको भी दिखाती हूँ। बना रही हूँ चिकन, तो फटाफट कैसे चिकन बनाती हूँ, मतलब जब भी फास्ट बनाना रहता है कुछ तो मैं फटाफट कैसे चिकन बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ, ठीक है? चलो, ये मैंने चिकन लिया है 50 ग्राम रहेगा, सॉरी, और इसमें अब मैं डालूंगी नमक, हल्दी, अच्छे से मिक्स कर। तो मेरा ये प्रिपरेशन खत्म हो चुका है। इसमें मैंने 4 अनियंस लिए हैं काट के, 2 टमाटर डालूंगी, और ये जो है खड़ा मसाला है, इसमें लवंग है, थोड़ी काली मिर्च है, और 2 तेज पत्ता है, और ये दालचीनी है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये हमारा चिकन है। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल गरम हो रहा है। अभी हम लोग इसमें पहले डालेंगे खड़ा मसाला और इसको अच्छे से फूटने देंगे। हो चुका है, अब हम इसमें अनियन डाल देंगे, जो मैंने 4 बारीक काट के अनियन रखे हैं वो डाल देंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देखिए। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने कद्दूकस करके रखा है, प्यूरी भी डाल सकते हैं टमाटो का, वो डाल देंगे, 2 टमाटर है वो डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद में 2 चम्मच जिंजर
गार्लिक का पेस्ट भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से तेल छूटने तक फ्राई करें। ये जल ना जाए नीचे से। कितने अच्छे से मसाला फ्राई हो चुका है और तेल भी छूट गया है और जिंजर गार्लिक और जो टमाटर है अच्छे से पिघल चुके हैं। तो हम इसी दौरान डालेंगे थोड़ी हल्दी और ये जो है स्पेशल मसाला है मेरे घर का वो भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ा इस यही टाइम पे नमक भी ऐड कर लीजिए। कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, फिर ये मसाला थोड़ा पकने देती हूँ बिकॉज जलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैंने हल्का सा पानी डाला है, गैस फास्ट ही है, मसाला पक ही रहा है, सिर्फ नीचे से जले ना करके थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। ये एक एक जैसा हो, देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अच्छे से मसाला रोस्ट हो चुका है, तेल भी छूट चुका है, तो इसमें मैं डालना चालू करूंगी चिकन के पीसेस। इसको मैंने हल्दी और नमक डाल के मैरिनेट करके रखा था। सारे पीसेस जाएंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाले के साथ में और इसको अच्छे से फ्राई होना है। चिकन को भी अच्छे से, चिकन थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा, इसको अच्छे से एकदम फ्राई करना है। और यहाँ जो मैंने धनिया काट के रखा है तो मैं इसका आधा जो पार्ट है, आधा पार्ट ये इसमें डालूंगी। इससे क्या होगा, चिकन का जो स्मेल रहता है ना वो नहीं आता है चिकन में, चिकन टेस्ट। आप फ्राई करके देखो, छोटा सा ट्रिक है। मैं ऐसे फ्राई करने के टाइम पे थोड़ा सा मैं धनिया डालूँ, ये फ्राई करके देखना, कभी अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताना। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। वाओ यम्मी ना, इससे अच्छे से तेल निकलने तक फ्राई करना है। अभी चिकन ने, देख सकते हैं आप, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है और अच्छे से फ्राई हो रहा है। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल पूरा निकल रहा है बाहर। मतलब इससे क्या होगा, ये मसाले जो है ना ये चिकन के अंदर तक जाएंगे और चिकन है ना बहुत अच्छे से स्वाद लगेगा। देखिए अब यही दौरान आपको क्या करना है, जितना करी बनाना है उतना पानी ऐड कीजिए। मैं ये 2 ग्लास डाल दूंगी, 2 ग्लास तक मुझे लगता है ठीक हो जाएगा मेरे लिए। तो पानी ऐड कर दें धीरे धीरे धीरे, क्योंकि चिकन अभी पकना है। 2 ग्लास पानी डाल दिया है, अभी इसको मीडियम टू लो आंच पे पकाना है। इसको ढक देती हूँ मैं। चलो अभी चिकन तो पूरा पक गया है, मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है। देखोगे यम्मी, चिकन भी पक चुका है और ये दरिया ये ऊपर से है ना, इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पक के तैयार हो चुका है और फिर से लगा आपको मुझे जरूर बताइए। ठीक है।